ओस। मैं हूं मुना कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं इपोन केन उची के बारे में, जो कि सिंगल यानी कि वन नकल स्ट्राइक होता है। तो इसी के बारे में आज बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आप इसका अटैक देखेंगे, किस तरह हम इसका अटैक करने वाले हैं और इसका अटैक कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करके प्रेस ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियो। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इपोन केन उची के बारे में। ये मेरा पार्ट 5 है। इसका मतलब होता है वन नकल फिस्ट। देखिए इस तरह ये केन हो गया, यानी कि नकल्स हो गया, यानी कि सिंगल नकल से हम आपको फाइट करने सिखाएंगे, किस तरह सिंगल का अटैक किया जाता है, इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और वन नकल फिस्ट कैसे बनाते हैं पहले हम आपको ये बता देते हैं। पहले देखो, ये फिंगर है यानी कि लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ मोड़ना है, यानी अंडर की तरफ फोल्ड करना है, और ये इंडेक्स फिंगर को इस तरह इस तेजी मतलब इस तरह पूरा नुकीली भाला की तरफ बनाना है। तो इसको इस तरह देखिए, इस तरह चिपका के रखना है और थंब को इसको साइड से दबा के इसमें रखना है, ताकि इसका सपोर्ट बना रहे और तेजी के साथ अगर वार करते हैं तो ये आगे पीछे ना हो पाए, इसलिए इसको सपोर्ट करके रखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह बनाया है। सेम इसको भी दूसरे हाथ में भी सेम उसी तरह बनाना है। इसका टैग और इसका टैग कहाँ कहाँ होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका टैग ये देख लीजिए साइड में, यानी कि कान और आँख के बीच में इधर साइड में होता है इसका टैग, और इसका टैग गले में भी होता है और आँख में भी करते हैं, और इधर साइड देखिए, इधर साइड पसली में, इधर साइड में भी इसका टैग किया जाता है। तो सिंगल नकल से हम इसका टैग करने वाले हैं। इसको हम अभी आपको किक बैक पर बताने वाले हैं। तो आगे चलते हैं किक बैक पर। हम अभी किक बैक पर आ गए हैं और देखते हैं इस पे किस तरह हम अटैक करते हैं। तो पहले हम वन नकल फिस्ट बना लेंगे इस तरह, देख लीजिए, और इसके बाद हम इस पे अटैक करेंगे। तो पहले हम वन स्टेप में 10 करेंगे, उसी तरह 10-10 करके हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपर पंच करते हैं, नकल वाली पंच, यानी कि नकल से हमें मारना है। उसके बाद मिडिल वाले, उसके बाद लोअर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको आराम आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, एकदम आराम आराम से करें। और पंच का अगर प्रैक्टिस होगा तो ये भी आराम आराम से हो जाएगा। और इस भाग को और थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आराम आराम से करना है। तो एक ही बार जल्दी से तेजी के साथ ना करें, नहीं तो चोट आ सकती है, इसलिए आराम आराम से किक बैक पे आप प्रैक्टिस करें घर पे। अब हम मिडिल वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सेम लोअर में भी इसको अटैक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन इसका ज्यादा अटैक लोअर में कभी नहीं होता है, इसका ज्यादा अटैक हमें मिडिल में और अपर में ही इसका अटैक किया जाता है। तो ज्यादा इसका प्रैक्टिस अपर में और मिडिल में ही अपने घर पे करें, नीचे नहीं। लोअर में इसका अटैक बहुत ही कम होता है, नाक के बराबर। लोअर में कब होता है, जब हम फाइट करते हैं कोई नीचे की तरफ गिर गया तब हम इसका अटैक करते हैं।
ज़्यादा अटैक हम खड़े होकर ही इसका करते हैं, तो इसका अटैक करते हैं। तो इस तरह आप अपने घर पे इसका प्रैक्टिस करें, और बहुत ही डेंजरस भाला की तरह इस्तेमाल करने वाली है, अटैक है, और इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टच करके ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओस।